तो हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका चैनल 3 डिज़ाइन ज्वेलरी में, जहाँ पे आप छोटे से छोटी कैट की टेक्निक सीखते हैं ज्वेलरी क्रिएट करने के लिए। चलिए शुरू करते हैं। आज की वीडियो का टॉपिक है हमारा स्मार्ट फ्लो। जैसा कि आपने बैनर में देखा, तो स्मार्ट फ्लो करने के लिए हम एक सबसे पहले एक पेंडेंट क्रिएट करेंगे। कैसा भी पेंडेंट, मैंने सबसे पहले लेंगे एक ओवल। जेम लोडर से मैंने एक ओवल लिया है 10x8 का। दस बाय 8.5 का अप्रॉक्स ओवल है ये। हम इसका बनाएंगे हम कॉलेट हेड बिल्डर से। इसके हम क्रॉस सेक्शन हम इसका चेंज करेंगे। इसकी हाइट, प्रॉन्ग की हाइट हम थोड़ी सी इंक्रीज कर देंगे। नाउ अब हम इसके आसपास एक हेलो क्रिएट करेंगे। और हेलो क्रिएट करने के लिए हम इसमें थोड़ा सा गैप कर देंगे। मैंने बेसिकली अभी जेम गाइड टूल यूज करा है ये, ताकि हम इसको इसी के ही साइज के हम हेलो ले सके। तो दोस्तों, गैप को मेंटेन रखने के लिए अगर हमें किसी भी ज्वेलरी में हेलो और सॉलिटेरियस के बीच में अगर गैप चाहिए, तो मिनिमम गैप आप कम से कम गैप 0.35 रखें, ताकि आपको वो गैप इजीली विजिबल हो। ज़्यादा से ज़्यादा 0.4, 0.4 के बाद वो गैप बहुत ज़्यादा करने लगता है। बाकी डिपेंड करता है आपके डिज़ाइन पे, आपके क्लाइंट की क्या रिक्वायरमेंट है। वैसे मिनिमम गैप कैड में 0.4, 0.35, 0.4, मैक्स 0.5 तक रखा जाता है। 0.5 बहुत थोड़ा सा एक्स्ट्रा हो जाता है। अब हम इसका हेलो क्रिएट करते हैं। हम यूज़ कर रहे हैं 1.3 का स्टोन, तो इसके लिए हम लेंगे 1.7 या फिर 1.6, क्योंकि हम इसमें भी प्रॉन्ग सेटिंग करने वाले हैं। इसको हम थोड़ा सा 0.7 हेलो कॉलेट के थोड़ा सा नीचे करेंगे, देन इसको एक्सट्रूड करेंगे -1.2। नाउ अब हम इसकी डुप्लीकेट एच निकालेंगे। अब हम यहाँ पे जेम कर्व यूज करेंगे। जेम कर्व, जेम ऑन कर्व निकालने के लिए हम इसकी कर्व निकालेंगे। कर्व के लिए हम कमांड यूज करेंगे ट्वीन कर्व नंबर 1, एंटर। तो हमारी ये ट्वीन कर्व आ गई। इसका कलर हम अलग कर देते हैं। जितना आप गाइडलाइंस का कलर आप अलग रखेंगे, उतना ही इजीली आपका मॉडल क्रिएट करने का तरीका होगा। नाउ सेंटर लाइन से हम करेंगे जेमॉन कर्व। जेमॉन कर्व को हम ऑब्जेक्ट में, ऑब्जेक्ट सेलेक्ट करेंगे हम इसमें, क्यूलेट में ऑब्जेक्ट सेलेक्ट करें, ताकि जिससे सरफेस पे आ जाए। नाउ हम 1.3 का, हमने जो स्पेसिंग सेट करी है, 1.3 का स्टोन हम यहाँ पे सेट करेंगे। स्पेसिंग इसकी हम फिक्स रखेंगे। यहाँ पे हम इसको मेंटेन करने के लिए हम यहाँ पे गैप गैप को एडजस्ट करेंगे, ताकि जिससे कि
गैप थोड़ा सा अनइवन सा आ रहा है, तो हम देखते हैं कि हम किसी भी एंड में अगर जहाँ पे गैप हमारा सही आ रहा हो हम वहाँ पे इसको सेट कर देंगे। तो हम यहाँ पे इसका प्रॉन्ग्स अपग्रेड करेंगे, यहाँ पे हम इसके प्रॉन्ग्स लेंगे 0.55, नज हम इसको कर देंगे 25% का, और इसकी हाइट हम थोड़ी सी कम रखेंगे। तो यहाँ पे जो प्रॉब्लम आ रही है अब हम क्या करेंगे, इसके लिए इन सबको हम लॉक करेंगे, अब इन दोनों पोर्शन को हम हाफ हाफ सेलेक्ट करेंगे। डिलीट करेंगे, सो हमारी ये हेलो ऑलमोस्ट तैयार हो चुकी है। हम आते हैं अपने मेन टॉपिक स्मार्ट फ्लो करने के लिए। स्मार्ट फ्लो करने के लिए हम इसकी डिज़ाइन की एक स्पेस बनाएंगे, यहाँ पे हम हमने 2.1 की इसमें अप्रॉक्स स्पेसिंग ली है, इसको ऑफसेट करेंगे 0.95 माइनस 0.95। अब हम पूरा डिजाइन को सिलेक्ट करेंगे, हम निकालेंगे डुप्लीकेट एज। हम बेसिकली अब एक सरफेस क्रिएट करने वाले हैं, हम यहाँ पे डुप्लीकेट एज। अब हम यहाँ पे हम यहाँ से लेके यहाँ तक एक कर्व क्रिएट करेंगे, कर्व क्रिएट करेंगे हम ब्लेंड कर्व से। स्वीप टू सरफेस का हम एक कलर चेंज कर देते हैं। तो अब बेसिकली हम जो डिज़ाइन बनाएंगे हम इसी सरफेस से बनाएंगे ना। अब इस ये डिज़ाइन को बनाने के से पहले हम यूज़ करेंगे हम
कर्व टूल में जाएंगे हम, इसमें क्रिएट यूवी कर्व्स हम यूज करेंगे, क्रिएट यूवी कर्व्स। तो बेसिकली अब ये वही कर्व यूज, वही कर्व आई है जो हमें यहाँ पे चाहिए थी, 56। मोटा मोटा ये वही कर्व हमारी सामने आई है। सो अब हम यूज करेंगे इसमें सरफेस ट्रांसफॉर्म। सरफेस ट्रांसफॉर्म यूज करने के लिए हमें दो सरफेस चाहिए होती है बेसिकली, एक डेस्टिनेशन सरफेस जो कि हमारी ये है डेस्टिनेशन सरफेस जहाँ पे हमारा डिजाइन बनेगा, और एक बेस सरफेस जहाँ पे हम इसमें डिजाइन बनाएंगे बेस सरफेस में। सो हमें दोनों रिक्वायरमेंट पूरी करने के लिए दोनों सरफेस हमें क्रिएट करनी पड़ेगी। डेस्टिनेशन सरफेस हमारी है, बेस सरफेस हमें क्रिएट करनी है। बेस सरफेस क्रिएट करने के लिए एक ही तरीका है, सबसे पहले आप इसमें प्लानार सरफेस आप यूज कर सकते हैं। अगर आप लॉफ्ट यूज करेंगे तो आपका सरफेस ट्रांसफॉर्म सरफेस काम नहीं करेगा। सो प्लानार कर्व्स में हम इसमें जाएंगे, तो ये हमारा प्लानार कर्व हो गया। अब हम करते हैं ट्रांसफॉर्म सरफेस में, मैं आपको एक छोटा सा डेमो दिखाता हूँ। ट्रांसफॉर्म मेन्यू में जाएंगे, सबसे पहला है सरफेस मेन्यू। अब यहाँ पे ऊपर लिखा रहा है जितनी भी चीज़ें हैं, जितनी भी कमांड्स हैं, सब आपके कमांड प्रॉम्प्ट में ऑलरेडी लिखे आ जाते हैं। आप यहाँ पे जितना रीड करेंगे ये आपको आगे का स्टेप पहले से ही बता देता है इसमें आपको। जैसे कि अब जैसे ही मैंने कमांड एक सेलेक्ट करी तो यहाँ पे दिखा रहा है सेलेक्ट बेस सरफेस ऑब्जेक्ट। तो हमारा बेस सरफेस हमारा है ये वाला ना, सेलेक्ट द डेस्टिनेशन सरफेस ऑब्जेक्ट वो है हमारा ये वाला। तो अब हमने यहाँ पे ये दोनों सरफेस हमने सेलेक्ट कर लिए। अब हम बनाएंगे, हम अपना एक डिज़ाइन बनाएंगे, डिज़ाइन क्रिएट करेंगे हम इसमें। हम बनाएंगे इसमें रेक्टेंगल 2.5 अप्रॉक्स, 2.5 अप्रॉक्स। तो इसका हम कलर चेंज कर देते हैं ताकि हमें दूर से पता रहे। तो आप यहाँ पे सरफेस देख सकते हैं जो मैंने ये क्रिएट करा है, इसका कलर चेंज कर देता हूँ मैं। तो यहाँ पे देख सकते हैं जो भी मैंने वहाँ पे क्रिएट करा यहाँ पे वो इजीली आ गया है। सी नाउ अब इसको हम डिज़ाइन क्रिएट करेंगे। बेसिकली मैंने एक बर्फी वाला कोई डिजाइन क्रिएट करा है इसमें। तो इसको थोड़ा सा हम छोटा करेंगे, लेकिन इतना भी छोटा नहीं करेंगे ताकि हमारा ऊपर और नीचे की सरफेस से कनेक्शन होना चाहिए ताकि वो कैम में एटलीस्ट हमारा बिल्ट हो। थोड़ा सा और कम करना पड़ेगा, बिल्कुल माइनर सा, ताकि पीस की हमारी स्ट्रेंथ बनी रहे पीस की। ठीक है नाउ हम इसका करेंगे हम ऑफसेट। ऑफसेट लेंगे हम 0.6 का, या थोड़ा सा और कम कर लेते हैं 0.55 का, जितना हमारा कैमिंग में भी इजीली आ जाए। नाउ हम करेंगे इसको एक्सट्रूड, एक्सट्रूड करेंगे 0.7 का। नाउ तो देख सकते हैं मैंने जैसे जैसे वहाँ पर डिज़ाइन क्रिएट करा ये वैसे वैसे यहाँ पर डिज़ाइन आ गया है। सो अब यहाँ देख सकते हैं ये छोटा सा गैपिंग हम यहाँ पे करेक्शन है इसकी ठीक कर सकते हैं। आप ये प्रोसेस देख सकते हैं यहाँ पे, अगर हमें कोई करेक्शन ठीक करनी है इसको हम हल्का हल्का करके नीचे कर सकते हैं। हम यहाँ पे भी देख सकते हैं हमारा टच टू टच है। दैट्स इट। अब हमें यहाँ पे बहुत सारे हम बर्फियाँ बनाएंगे इसमें, बर्फी मोटर। इसके लिए हम लेंगे ट्रांसफॉर्म मेन्यू से
सेकेंड पोर्शन में जाएंगे एरे लीनियर। एरे लीनियर, सो एरे लीनियर बेसिकली आपने जैसे अगर एरे पोलर कमांड यूज करी हुई, एरे पोलर में हम सर्कुलर शेप में आता है, वैसे ही एरे लीनियर में स्ट्रेट फॉर्म में आपके सारे ऑब्जेक्ट्स आ जाएंगे। तो चलिए देखते हैं, हम इसमें सेलेक्ट करते हैं अप्रॉक्स 16। सो अब इसमें जहाँ से स्पेस ले रहा है, फॉर एग्जांपल अगर हमने मोटिव के फर्स्ट पॉइंट से लेकिन सेकंड एंड तक स्पेस लिया, हम उसको हम टाइप भी कर सकते हैं मैन्युअली, लेकिन हम मैन्युअली टाइप करने के लिए तो इसमें हम मोटा मोटा हमें मोटिव के बीच में भी टच टू टच रखना है, तो हम इसको 2.6 का अप्रॉक्स रख सकते हैं। और हमें अब देखना है कि हमारा एंड कहाँ पे हो रहा है, एंड हमारा कितने मोटिव पे हो रहा है, तो हम इसमें एक मोटिव और बढ़ा देते हैं 17। अप्रोक्स हम इसमें टाइप करते हैं 2.7। थोड़ा सा और मोटिव ट्राई करते हैं, ये बिल्कुल हिट एंड ड्राई प्रोसेस है। थोड़ा सा और टच टू टच करते हैं इसको, तो 2.4, 2.5, 2.42। थोड़ा सा टच टू टच है हमारा। सो अब हम इसको यहाँ पे हम ओके करते हैं। सो आप देख सकते हैं यहाँ पे सारे, हम हाइड करके दिखाता हूँ आपको, यहाँ पे हमारे सारे मोटिव्स जैसे हमने यहाँ पे लगाया था उसी ही सेम गैप में यहाँ से हम सारे मोटिव्स लग कर आ गए। तो ये था स्मार्ट फ्लो का मैजिक। सो वीडियो अगर आपको अच्छी लगी दोस्तों, सो लाइक करें, शेयर करें एंड सब्सक्राइब करें, एंड थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।